वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की क्यूज का वीडियो रोज रात के 9 बजे मिल जाएगा। इस क्यूज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्यूज अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की क्यूज स्टार्ट करते हैं। आज की क्यूज का पहला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में एशेज ट्रॉफी 2019 जीती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने 150 अप प्रारूप में लगातार चौथे IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स खिताब के साथ अपने करियर का 22वां वर्ल्ड खिताब जीता? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, पंकज अरवाड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर किस भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को नियुक्त किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, कपिल देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने गुरु नानक देव की रचना को अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, यूनेस्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी को हाल ही में किस राज्य का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कितनी अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, 17 अति पिछड़ी जातियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए हैदराबाद टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, रायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की शाही नौसेना ने द्विपक्षीय सेना अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में भाग लिया था? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, मलेशिया शाही नौसेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में फिल्म द लास्ट कलर के लिए किसे बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, नीना गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, शांत घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
टाइम अप, इसका आंसर है ए, वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी, लोकसभा के स्पीकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी, हेलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पारसारिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी, आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एक तिहाई से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है ए, चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन सिटी अवस्थित है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है बी, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है डी, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है ए, 16। ये थी आज की क्विज। आपको ये क्विज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं कल इसी टाइम पर नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।